तुम कब तक यहाँ का बिजनेस संभालोगे? वही वहां का बिजनेस भी तो संभालना है। या एंड नो, लेकिन मैं फिलहाल वहां नहीं जा सकता। और अगर ये चले गए तो देखो, तुम्हारी ये 2-4 रुपए के बिजनेस के लिए हम वहां पे अरबों करोड़ों का नुकसान तो नहीं उठा सकते। यस पार्टनर, मैं अब सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती, और जब तुम अब यहाँ हो मैं भी यहाँ हूँ, तो वहां पर जो भी गड़बड़ हो रही है उसको किसी को तो देखना होगा ना। सो आई थिंक तुम चले जाओ, तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि मैंने प्लान किया है कि मैं भी एनी के साथ कुछ दिन और रुकूंगी। चले तो ठीक है, जब किसी को बिजनेस संभालना ही है तो माजबीन, मैं और आप साथ चलते हैं। अब माजबीन कहां से बीच में आ गए? माजबीन मेरे साथ चली जाएगी, घूम लेगी, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा और मैं अपना काम निपटा लूंगा। वैसे माजबीन, तुम पहले कभी लंदन गई हो क्या? नहीं, मैं कभी नहीं गई। वैसे इसे देख के लगता तो नहीं है कि ये कभी लंदन गई भी होगी। हमारी माँ जबीन तो बेचारी अपने मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले तक नहीं गई होगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज बिहेव योरसेल्फ। तो इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? अब माजबीन को एक अमीर शौहर मिला है जो उसे पूरी दुनिया घुमाएगा। जो लड़की एक शहर से दूसरे शहर नहीं ट्रेवल कर सकती, वो पूरी दुनिया घूमेगी। कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं जहां पे भी जाऊंगी अपने शौहर के साथ तो होंगे, अकेले तो नहीं घूम रहे होंगे। How dare you? तुमने टीना के सामने ऐसे कैसे बोल सकती हो? ओ प्लीज एनी, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आरिस? और ये होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? मत भूलो कि हारिस, मैं और टीना एक हैं। हाँ, लेकिन अब इसमें माजबीन भी शामिल है। Excuse me, ये कहां से शामिल हो गई है? हम तीनों बचपन से साथ हैं। तो फिर ये कहां से बहन भाई और कजन के बीच में आ गई? मैं जहां से भी आई हूं आप उसको छोड़ें। अब जो भी है, मैं हूं तो इनकी बीवी ना। और प्लीज आप ये बात बात पे मुझे टोंट मत किया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने कैसे जबान चला रही है। जब से इसकी खाला रह के गई है ना, इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। ये सिर्फ अपने हक के लिए बोल रही है। नहीं रियली, अब तुम मुझे बताओगे कि हक और सच क्या होता है? इसके लिए तुम अपनी बहन के सामने खड़े हो गए। मत भूलो हारिस कि मैं तुम्हारी बहन हूं और ये तुम्हारी कोई नहीं लगती। मैं कैसे कोई नहीं लगती? मैं बीवी हूं इनकी। जबरदस्ती की बीवी हो जिससे हारिस ने तर्स खा के शादी की है। ऐसा कुछ नहीं है एनी। जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तभी मुझे इनसे मोहब्बत हो गई थी। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। शादी करूंगा मैं इनसे, लेकिन उसके बाद हालात कुछ ऐसे बन गए कि मैं कुछ ना कर सका और फिर ये मेरी जिंदगी में आ गई। ओह गॉड, तंग आ गई हूं मैं सबसे, हद हो गई है। मुझे अब मजीद कोई इमोशनल स्टोरी नहीं सुननी घर में।
एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। हम तो ऑफिस जा रहे थे, तो हम यहाँ क्यों आ गए? जाना था, लेकिन ऑफिस जाने से ज्यादा जरूरी काम था जो मुझे करना, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। कौन सा काम? I'll tell you. Excuse me. Thank you. आपको कैसे मालूम कि आज मेरी बर्थडे? आपको याद था? मुझे सब मालूम है, मुझे सब याद। मैं तो समझे किसी को भी मेरी बर्थडे याद नहीं है, घर से भी किसी की कॉल नहीं आई। आपको घर से किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आइए इस खूबसूरत दिन को हम दोनों साथ मिलकर मना। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियरेस्ट मार्जरीन, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू बहुत है ये। बहुत ज्यादा है? हाँ। Okay. Is this good? Yeah. Thank you. You're welcome. इस खूबसूरत मौके पर मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती मेरे साथ खुश रहें। आमीन। हारिस, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हालांकि मैंने तो आज तक आपको एक खुशी भी नहीं दी। जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ सिर्फ परेशानियां ही खड़ी की हैं। माजबीन, आप नहीं जानती आपने मुझे क्या क्या खुशियां दी। अपनी मोहब्बत को पा लेना ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। और आप तो मेरी वो मोहब्बत है जिसे देखकर मुझे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। हारिस, बहुत लेट हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, सब लोग ऑफिस में वेट कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज बहुत स्पेशल दिन है, इस दिन को मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। क्या मतलब है? केक तो कट कर लिया, अब खाना भी खा लिया, आपने कुछ और सरप्राइज भी रखा हुआ है मेरे लिए? हाँ जी बिल्कुल, एक और सरप्राइज है आपके लिए। तो वो क्या? यार माजबीन, मुझे मौका नहीं मिला कभी आपसे पूछने का, विल यू मैरी मी? मैं आज के स्पेशल दिन का फायदा उठाना चाहता हूँ और मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि माजबीन, क्या तुम अपने पूरे दिल से, पूरे खुलूस से, पूरी चाहत से मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहोगी? हाँ हारिस, आपकी इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतने मान का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये इज्जत, मोहब्बत और मान कबूल करने का बहुत शुक्रिया। चले माजबीन, आप माजबीन, आप आज कह दें आप आज कि आपने दिल से कबूल किया। कहते
बोले। देखिए मोहब्बत सतरंगी तीस से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।